हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी वाला चावल। तो ये मेथी वाला चावल ना, अगर हम बीमार है या पेट में कुछ प्रॉब्लम है तो इसे बना के खा ले, और ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए बनाते हैं मेथी वाला चावल। तो चावल को मैं ना दो तीन पानी बिल्कुल अच्छी तरह से धो ली हूँ, और इधर मैं चढ़ा दी हूँ कुकर। तो कुकर गर्म हो जाएगा फिर बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले कुकर में हम डालेंगे घी। तो यहाँ मैं 200 ग्राम तक चावल ली हूँ, तो यहाँ दो तीन चम्मच के लगभग घी डाल दूँगी मैं। दो तीन चम्मच के लगभग घी डाल देना है। तो घी हमारा पिघल चुका है, तो इसमें मैं डालूँगी आधा स्पून के लगभग मेथी। और मेथी को डाल के ना इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, नहीं तो इसका टेस्ट बहुत ही कड़वा आने लगेगा। तो थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, फिर इसमें मैं डाल दूँगी हाफ स्पून के लगभग हल्दी पाउडर, हाफ स्पून से थोड़ा कम हल्दी पाउडर। और अभी मैं डाल दूँगी इसमें स्वादानुसार नमक। तो बहुत इजी है बनाना, बिल्कुल ही इजी है। इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और फिर इसमें ऐड कर देना है चावल को। और ना मैं 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लूँगी चावल को घी के साथ अच्छी तरह से। तो 3-4 मिनट हो चुका है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तो इस कटोरी से ना मैं एक कटोरी चावल ली हूँ, तो एक कटोरी चावल में मैं यहाँ पे 4 कटोरी पानी ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बीमार आदमी के लिए ये चावल बहुत ही फायदेमंद होता है, और इसे स्वस्थ लोग भी बहुत पसंद से खाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ढक्कन मैं लगा दूंगी, और मीडियम फ्लेम पे एक सीटी आने तक मैं इसको छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे मेरा मेथी वाला चावल तैयार हो चुका है बिल्कुल। थोड़ा पानी इसमें लग रहा कम हो गया है, और पानी डालना चाहिए था मुझे। और तो इसको पता है भोजपुरी में इसे बोलते हैं मेथी आउर बोलते हैं। मेरी मम्मी इसे बनाती थी, तो इसको मेथी आउर बोलती थी। तो चलिए खाना खाती। तो मैं निकाल रही हूँ अपना खाना, बच्चे तो अभी आए नहीं हैं, आएंगे तो खाएंगे। और साथ में बनाई हूँ मैं टमाटर और आलू का चोखा बनाई हूँ साथ में। तो यही है आज का हमारा खाना। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी लग रहा मुझे, बहुत दिनों के बाद बनाई हूँ ना, के साथ ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो जब भी तबीयत ख़राब हो ना आप लोगों को ऐसे ही चावल बनाओ, ये बहुत फ़ायदेमंद करता है, पेट में बहुत फ़ायदा करता है ये चावल। कुछ बनाने का मन ना करे तो ये फटाफट बन जाता है, और बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहीं पे मैं अपना ब्लॉग्स ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।